हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीरो वैली आए हैं और जीरो वैली में बहुत ही ठंड है। हम रात के टाइम पहुंचे हैं तो यहाँ के नज़ारे तो देख नहीं पाए और यहाँ गजब की सर्दी है। और ये होटल है जहाँ हम रुके हैं, होटल एनी जीरो अरुणाचल प्रदेश। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, ये रात में भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये है हमारा रूम, काफी बड़ा रूम है और यहाँ हीटर वगैरह भी लगा है क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है, जितना तो अंदाजा भी नहीं था हमें कि इतनी सर्दी होगी यहाँ पर। हाथ पैर एकदम ठंडे पड़े हैं और पानी तो ऐसा है कि छुओ तो लगे कि जैसे बर्फ में हाथ डाल दिया है। गीजर ऑन करने पे भी मतलब एक घंटा लग रहा है पानी गर्म होने में। ये है सुबह 5 बजे का नजारा जीरो का और इतनी धुंध जमी है कि सामने की चीजें भी नजर नहीं आ रही हैं। मैं उठी थी कि थोड़ा सा घूम फिर के आऊंगी, लेकिन हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही है कि बाहर निकला जाए। चेकआउट करते हुए जीरो वैली घूमने जा रहे हैं और ये सुबह के 9 बज चुके हैं। अब जाकर के धूप खिली है यहाँ। और ये सामने आप देखिए पहाड़, इतना खूबसूरत लगता है ना जीरो, बहुत ही सुंदर जगह है। ये जो है ये ओल्ड जीरो है और नया जीरो जो डेवलप हुआ है वो यहाँ से 9 किलोमीटर और आगे बढ़ता है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। बस ठंड बहुत ज़्यादा है और आप ये देखिए, मतलब सुबह उठिए आप, हम रात में तो लेट पहुँचे थे, सवेरे का नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत है। सवेरे बहुत ज़्यादा ठंड थी तो बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब निकले हम लोग अपने अपने रूम से बाहर, तब हम थोड़ी देर में यहाँ से चेकआउट भी करेंगे तो मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू। ये है सुबह की गर्मा गर्म चाय जीरो वैली में। आसपास का नजारा इतना सुंदर है और यहाँ घर भी बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं। ये पूरा विलेज एरिया है और पहाड़ों से घिरा हुआ। अभी यहाँ फूल खत्म हो गए हैं, हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ तरह तरह के फूल देखने को मिलते हैं। जीरो को फ्लावर वैली भी कहा जाता है। देखिए जीरो वैली की खूबसूरती। अभी तो यहाँ फ्लावर कम हो गए हैं, सर्दी में फ्लावर थोड़ा सा ख़त्म से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है इसी वजह से, सर्दी होने की वजह से। मगर आप इसके व्यू देख सकते हैं, फ्लावर नहीं है यहाँ। अभी तो अभी ठंडा समय आ गया ना। अच्छा, फ्लावर ख़त्म हो गया, इसके पहले रहता है फ्लावर। हम लोग लेट हो गए शायद। हाँ, तो यहाँ ऑरेंज वगैरह आगे मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे बात करते हैं। मैं यहाँ कई बार आई हूँ, कई जगहों पर गई हूँ, मुझे सभी जगह बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं।
जहां तक नजर जाती है इतना खूबसूरत लगता है। famous for pedicampisi. Ji. Then that is number one. Number two, this is educational hub in entire Arunachal. We have more than 32 private schools here in this valley, all affiliated to CBSE school. And children from various parts of the state, they come to study here. तो आप भी कितने हैं यहाँ पे स्कूल? My family has four schools. Four, very good. We are the one to start the private school here in Chiro. Okay. So those days, like parents said ki, वैशाली की क्यों पढ़ाता है? Okay. Where is Gobind school? They provide free education. No? Okay, okay. So ऐसा बोलता था, आजकल बोलता है कि बहुत अच्छा किया। हाँ नहीं, अब तो ये चीजें बहुत ही common हैं और अच्छे स्कूल होना। And besides that, we have sibling college. पता नहीं है कितना time लेगा उनमें। इसे ALG भी बोलते हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। ये एयरफोर्स का AN-32 जहाज है जिसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे हस्बैंड की पहली फ्लाइंग इसी जहाज में हुई थी जब उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, और अभी वो मेरे बगल में खड़े होकर के इस जहाज को उड़ता हुआ देख रहे हैं। AN-32 का टेक ऑफ देखिए। ये हमारा ट्रेडिशनल दाव है, इसको कहते हैं चीरी। चीरी, ओके। तो ये युद्ध के समय काम आता था? युद्ध में काम आता है और ये हम फेस्टिवल में काम आता। अच्छा, फेस्टिवल यहाँ का होता है, तो वो कब होता है? ये हम लोग का मुरुंग फेस्टिवल जनवरी में होता है। जनवरी में, अच्छा, कितने दिन का? और जो हम लोग का ये इसमें काम आता है कि जब शादी मैरिज होता है, हाँ, लड़की लोग को दिया जाता है ये दाव। अच्छा, शादी में लड़की को देते हैं, तो दूल्हा ले जाके देता है? लड़की का माँ पिताजी को देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये रिवाज है ऐसा? ओके, कितना? ये तो बड़ा अच्छा रिवाज है इसका। प्राइस तो इसका 5-6 लेग्स का दाम है। ये एकदम पुराना जमाना के। अच्छा, पुराना जमाने का। अच्छा, ये तभी से रखी है आपके यहाँ तलवार? ये देखिए, ये क्या? हाँ, दांत है। हाँ, शेर का दांत है। शेर का दांत है, टाइगर का। ओरिजिनल है? ओरिजिनल है, हम लोग का ट्रेडिशनल में अरुणाचल में ये सब चलता है, मिसी आदि गालो अपटन सब। ये धरोहर है पूर्वजों की। ये न्यू जीरो है जहां पर
काफी सारे शॉपिंग मॉल वगैरह है, आइनॉक्स है, ये ट्रेंड। और ये जो हमारे साथ में थे जिन्होंने हमें 5 लाख की तलवार दिखाई, ये सारे शॉपिंग मॉल उन्हीं के हैं, आइनॉक्स, ये जितना भी आप देख रहे हैं। यहाँ से अंदर तक चले जाए, ये सब उन्हीं का है। यहाँ से जितना अंदर जाएंगे, यहाँ सामने जितना भी ये शॉप्स वगैरह बन रही हैं, ये सब वही बना रहे हैं। पूरी जीरो वैली भी घुमाया उन्होंने ही हमें, ये सामने का एरिया, ये सब उनके हैं। यहाँ ऊपर होटल भी है उनका। अब हम जा रहे हैं शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, कर दो जीरो। ये शिवलिंग को सबसे पहले कुछ नेपाली लोग गए थे जंगल में लकड़ी काटने, तो उन्होंने दूर से देखा तो जंगल के बीच में उन्हें काफी बड़ा पत्थर दिखाई दिया, और पास में जाके देखा तो उन्हें शिवलिंग के दर्शन हुए। जिस व्यक्ति ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन किए उसका नाम था प्रेम सुई। काफी ऊंचाई पे हैं। इतने खूबसूरत नजारे हैं ना जीरो के। ये हम पहुंच चुके हैं शिव टेंपल पे। पहले बताते हैं कि सीढ़ियों से लोग चढ़ करके आते थे, लेकिन अभी तो गाड़ी ऊपर तक जाती है। एकदम सामने है ये शिव जी का मंदिर, ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहले ये काफी घना जंगल था। ये पंडित जी हैं, यहाँ पूजा करते हैं। हमें पहले पता नहीं था कि यहाँ शिव टेंपल है। जहाँ हम रुके थे जिस होटल में, होटल के ऑनर ने भी हमें बताया कि यहाँ पर शिव टेंपल है, काफी बड़ा है, आप दर्शन करने जाइए। ये देखिए कितने बड़े नंदी हैं। और ये हैं शिव जी जो आप रूपी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। शिवलिंग की ऊंचाई 24 से 25 फीट है और यहाँ काफी लोग आते हैं, काफी भीड़ भाड़ रहती है भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए। ये सिखे लेक है और ये लेक आर्टिफिशियल है।
नज़ारे बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। अब जीरो से हम वापस जा रहे हैं। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।